हेलो दोस्तों, मेरा विजय। तो आज से कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने अपने चैनल के ऊपर अनबॉक्स एंड रिव्यू करा था MSI के मॉडर्न 15 लैपटॉप को, जो कि मैंने परचेस किया था विद द राइजन 5 प्रोसेसर 7000 सीरीज वाला 7530U। फिर दोस्तों मैंने यहाँ पे रिव्यू करा Asus के Vivo Book 16 को विद द i5 13 जनरेशन। अब दोनों ही लैपटॉप काफी ज्यादा सिमिलर है, तो आपके डाउट निकल के आए कि भाई कौन सा वाला लैपटॉप लेना चाहिए, बिकॉज ये जो प्राइस सेगमेंट है ना 50,000-60,000-40,000 में सारे लैपटॉप सेम से ही दिखते हैं, सेम सा ही यहाँ पे फंक्शन करते हैं, तो कंफ्यूजन से भर जाता है यूजर के माइंड में कि भाई कौन सा लिया जाए। अब यहाँ पे जो MSI मॉडर्न 15 मेरे पास में है वो लगभग 42,000 का अवेलेबल है विद द राइजन 5 प्रोसेसर, जो कि इसको वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैपटॉप बनाया था इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। और जब मैं इसका परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगा तो भाई आप भी बोलोगे कि मतलब ये 60,000 के आसपास की ही परफॉर्मेंस दे रहा है। Asus Vivo Book 16 ऑन द अदर हैंड यहाँ पे अपने साथ में i5 13 जनरेशन प्रोसेसर लेके आता है, जो कि अगेन काफी पावरफुल है, लेकिन एट द सेम टाइम ज्यादा प्राइस वाला टैग भी लेके आता है अपने साथ में। दोनों ही लैपटॉप को यहाँ पे कंपेयर करेंगे आगे इस वीडियो में, देखेंगे कौन सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, डिजाइन से लेके डिस्प्ले तक, परफॉर्मेंस से लेके कैमरा तक, साउंड, कीबोर्ड, ट्रैक पैड, सारी कुछ रिव्यू कर देगा आपका भाई आगे इस वीडियो में कंपेयर करते हुए साइड बाय साइड, जिसके लिए वीडियो में एकदम एंड तक बनी रहिएगा दोस्तों। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। भैया दोनों ही लैपटॉप्स की अनबॉक्सिंग में अपने चैनल के ऊपर कर चुका हूं, जहां पे डब्बे के अंदर हमें मिलता है अपना लैपटॉप, चार्जर जो कि 65 वॉट का चार्जर है दोनों ही लैपटॉप्स के साथ में, और कुछ पुस्तकें जो कि आप भी नहीं पढ़ने वाले हो, मैंने भी नहीं पढ़ी। यहाँ पे बात करते हो तो सबसे पहले दोनों ही लैपटॉप्स की डिजाइन के बारे में। दोनों ही लैपटॉप्स इन टर्म्स ऑफ लुक्स काफी ज्यादा सिमिलर लगते हैं, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस भी अपने साथ में लेके आते हैं। दोनों ही लैपटॉप की जो टॉप लेड है ना, सबसे पहले वो मेटल की बनाई गई है। दोनों ही लैपटॉप यहाँ पे 180 डिग्री तक चले जाते हैं, जो कि दोनों ही लैपटॉप्स की मुझे काफी एक अच्छी बात लगी, जो कि इसको ज्यादा फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल भी बनाती है एट द सेम टाइम। दोनों ही ब्लैक कलर में मेरे पास, तो काफी सेम से एस्थेटिक्स भी अपने साथ में शेयर कर रहे हैं, और दोनों ही लैपटॉप्स मिलिट्री ग्रेड 810 सर्टिफाइड भी है, जो कि इनको वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल नोटबुक बना देती है आई वुड से। लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी निकल के आ रहे हैं, और डिफरेंसेस दोस्तों यहां पे काफी कमाल के हैं। जहां पे प्राइस को कंसीडर करते हुए यहां पे आप आगे इस वीडियो में आगे बढ़ना, MSI 40,000 का अवेलेबल है विद द राइजन, और Asus यहां पे मोटा मोटा 60,000 का अवेलेबल है विद द इंटेल वाला प्रोसेसर। तो यहां पे सबसे पहले थिकनेस और वेट को देखते हैं। MSI मॉडर्न 15 यहां पे 1.75 किलोग्राम के वेट के साथ में आता है। Asus की डिस्प्ले बड़ी है तो इसका वेट भी ज्यादा है, 1.88 किलोग्राम का वेट है। मोटापा दोनों का ही सेम है, 19.9 मिलीमीटर मोटे हैं दोनों ही लैपटॉप, जो कि इनको ज्यादा मोटा भी बना देता है और ज्यादा भारी बना देता है कंपेयर टू द HP का लैपटॉप 15, जो कि ज्यादा स्लिम प्रोफाइल अपने साथ में लेके आता है और ज्यादा लाइटवेट भी फील करता है। वैसे दोनों ही लैपटॉप्स के साथ में उसका कंपैरिजन बना चुका हूं, जो कि आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। पोस्ट में भी यहां पे कुछ डिफरेंसेस निकल के आ रहे हैं, जैसे कि यहां पे MSI का मॉडर्न 15 अपने साथ में एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट लेके आता है, कंपेयर टू नो माइक्रो SD कार्ड स्लॉट ऑन द Asus Vivo Book 16। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि डिजाइन के मामले में ज्यादा ड्यूरेबिलिटी में देना चाहूंगा Asus के Vivo Book 16 को, ज्यादा सॉलिड फील करता है कंपेयर टू द MSI मॉडर्न 15। लेकिन when it comes to the features, for example having a extra micro SD card slot, या फिर बोलें ज़्यादा slim भी है compared to the Asus Vivo Book, तो फिर मैं देना चाहूँगा इसको MSI Modern 15 को, और considering the price ये काफी अच्छी design अपने साथ में लेके आता है, including the metal top lid of this laptop, जो कि मैच करती है Asus के Vivo Book 16 की भी metal top lid को, तो design के मामले काफी ज़्यादा similar है। display यहाँ पे देखते हैं दोनों ही laptops की, जहाँ पे as I said 180 degree तक तो जाती ही है, लेकिन दोनों ही displays काफी similar भी है। Asus का Vivo Book 16 अपने साथ में लेके आता है 16 इंच की डिस्प्ले कंपेयर टू 15.6 इंच डिस्प्ले ऑन द MSI मॉडर्न 15। दोनों ही यहाँ पे IPS वाली डिस्प्ले है, और दोनों ही यहाँ पे 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी लेके आती है। डिफरेंस निकल के आता है दोस्तों ब्राइटनेस में, जहाँ पे Asus बोलता है ऑन पेपर एटलीस्ट कि यहाँ पे 300 निट्स की ब्राइटनेस है Asus के Vivo Book 16 के साथ में, और MSI मॉडर्न 15 में यहाँ पे 250 निट्स की ब्राइटनेस प्रॉमिस करते हैं MSI। मैंने यहाँ पे टेस्ट करा तो मुझे दोनों ही डिस्प्ले काफी ज्यादा सिमिलर लगी, 50 निट्स में ऐसा कुछ खास डिफरेंस नजर आ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी ब्राइट एनवायरनमेंट में बैठते हो तो पॉसिबिलिटी है कि Asus Vivo Book 16 आपको थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट नजर आएगा। वैसे दोनों ही डिस्प्लेस काफी ज्यादा सिमिलर है। एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करी कि जो बेजल्स है ना पास में डिस्प्ले के, वो ज्यादा स्लिम है ऑन द Asus का Vivo Book 16, तो थोड़ा सा मॉडर्न फील देता है। और जो कैमरा है ना उसके पास में यहाँ पे कैमरा शटर भी देके रखा हुआ है फॉर एडिशनल लेयर ऑफ प्राइवेसी, जहाँ पे आप स्कैमर्स से बच सकते हैं अगर वो आपका कैमरा एक्सेस करना चाह रहे हैं तो थ्रू अ फिजिकल शटर। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो जो Asus का Vivo Book 16 है मेरे पास में, वो है i5 13 जनरेशन वाला 13500H वाला, और यहाँ पे MSI मॉडर्न 15 एज आई सेड राइजन लेटेस्ट वाला 7000 सीरीज वाला, दोनों ही के प्राइस में उसको डिफरेंस निकल के आ रहा है ना, वो प्रोसेसर को लेकर निकल के आ रहा है, बिकॉज i5 ज्यादा कॉस्ट करता है कंपेयर टू राइजन 5। तो
यहाँ पे जो डिफरेंस निकल के आ रहा है ना वो आप Geekbench 6 के स्कोर के साथ में देख सकते हैं, जहाँ पे Asus स्कोर कर रहा है सिंगल कोर में 2274 और MSI कर रहा है सिंगल कोर में 1965। तो यहाँ पे क्लियरली Asus ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मल्टी कोर में दोस्तों सरप्राइजिंगली MSI ने ज्यादा स्कोर करके दिया है 6416 कम्पेयर टू द Asus जो की 6149 स्कोर कर रहा है। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, बिकॉज जो 20,000 ज्यादा स्पेंड करे हैं ना मैंने वो परफॉर्मेंस के लिए ही करे हैं, बिकॉज H सीरीज प्रोसेसर था Asus के Vivobook 16 में, तो स्कोर्स निकल के आने चाहिए थे 7,000-7,500 के आसपास, ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि Ryzen 5 काफी ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहा है। ये मैंने इसके कंपेरिजन वाली वीडियो में बोली थी जो कि मैंने HP लैपटॉप 15 के साथ में इसको कंपेयर करा था कि भाई जो Ryzen 5 7530U है ना वो काफी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है, नए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी बनाया गया जो कि 7 नैनोमीटर का प्रोसेसिंग TSMC का यूनिट है, तो काफी अच्छा फैब्रिकेशन भी है, काफी अच्छी पावर एफिशिएंसी भी ये वाला प्रोसेसर आपको प्रोवाइड करा देता है। तो जो ये वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है ना 42,000 में दोस्तों ये वाला प्रोसेसर वो काफी अच्छा है, और इसके चलते MSI का मॉडर्न 15 मैं बोलूंगा कि परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी एक अच्छी चॉइस बन जाता है परचेज करने के लिए। दोनों ही लैपटॉप्स में रैम भी अपग्रेडेबल है, दोनों ही लैपटॉप्स में SSD भी अपग्रेडेबल है, तो उसके लिए नो टेंशन भाई। और रियल लाइफ में भी दोनों लैपटॉप्स काफी अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, मैंने दोनों ही लैपटॉप्स में 1080p लाइट वीडियो एडिटिंग भी करके देखी, उसमें भी यहाँ पे बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं नजर आते हैं। गेमिंग में मैं करता नहीं हूँ, लेकिन लाइट गेमिंग अगर आप करते हो तो आपके दोनों ही लैपटॉप्स अच्छे से चल जाएंगे यहाँ पे, और दोनों ही में भाई ब्लूटूथ 5.3 और वाईफाई 6E भी मिल जाता है हमें। फिर उससे बात करते हैं कीबोर्ड और ट्रैकपैड के एक्सपीरियंस की, बिकॉज मैं बहुत तेज टाइपर हूँ और मुझे भाई कीबोर्ड बहुत ज्यादा जरूरी रहता है किसी भी लैपटॉप में। दोनों ही लैपटॉप बैकलिट कीबोर्ड के साथ में आते हैं और दोनों ही कीज काफी सॉफ्ट एंड टेक्टाइल लगती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कीज की तो MSI जो है ना वो बैकलिट ज्यादा इंप्रेसिव लेके आता है, जहाँ पे कीज के साइड से भी आप बैकलिट को देख सकते हो, मतलब कीज का जो साइड है ना वो भी इल्यूमिनेटेड वाला एरिया है, तो यहाँ पे बैकलिट काफी ज्यादा इंप्रेसिव लग रही है कंपेयर टू द Asus Vivobook 16। सॉफ्ट भी है कीज यहाँ पे टाइप करने में और बड़ी बड़ी भी है कंपेयर टू द Asus Vivobook 16। यहाँ पे उससे बात करते हैं नमपैड की, तो कंपेरेटिवली MSI का नमपैड थोड़ा सा छोटा है, और इसके रिव्यू में भी मैंने यही वाली बात करी थी कि भाई इसकी जो एरो कीज है ना वो नमपैड के एरिया में आ रही है, नमपैड काफी ज्यादा छोटा भी है और यहाँ पे जो कीज है वो अनसेंट पोजिशन में है, तो नमपैड से इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हूँ, लेकिन ओवरऑल कीबोर्ड MSI मॉडर्न 15 का काफी ज्यादा अच्छा है और Asus का भी कीबोर्ड आपको अच्छा मिल जाता है, नमपैड उसमें भी थोड़ा सा ज्यादा छोटा करके रखा है Asus के लैपटॉप में भी। ट्रैकपैड दोनों ही के इंप्रेसिव है, Asus का थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लगता है कंपेयर टू द MSI, लेकिन दोनों ही काफी रिस्पॉन्सिव है, मल्टीटच जेस्चर्स वगैरह सारे ही अच्छे से सपोर्ट कर जाते हैं। स्पीकर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे MSI भी डुअल स्पीकर के साथ में आता है जो कि बैक साइड में दिए हुए हैं, और Asus भी डुअल स्पीकर के साथ में आता है जो कि बैक साइड में दिए हुए हैं। कैसे साउंड करते हैं वो आप आगे सुन सकते हो। ये तो दोस्तों स्पीकर्स मैं बोलूंगा कि MSI बहुत कम लाउड है और कम बेस भी निकाल के दे रहा है कंपेयर टू द Asus Vivobook 16, तो यहाँ पे क्लियर विनर है Asus का Vivobook 16। फिर उसको बात करते हैं वेबकैम की, यहाँ पे स्पेक्स तो दोनों ही लैपटॉप्स के काफी सिमिलर है, जहाँ पे हमें 720p वेबकैम मिल जाता है HD वाला दोनों ही लैपटॉप्स में। बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में, जहाँ पे MSI ने 39.9 वॉट आवर की बैटरी दी हुई है मॉडर्न 15 के साथ में, और Vivobook 16 अपने साथ में 42 वॉट आवर की बैटरी लेके आता है, तो ऑन पेपर इतना कोई डिफरेंस नहीं है, जहाँ पे ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले Asus की और ज्यादा बड़ी भी डिस्प्ले है तो ज्यादा पावर भी खाएगी, और H सीरीज वाला प्रोसेसर तो और पावर खाएगी, तो दोनों ही लैपटॉप्स यहाँ पे सेम बैटरी लाइफ निकाल के दे देते हैं, तो बिल्कुल भी दोनों ही से कुछ कंप्लेन नहीं है। ये सारे जो नोटबुक्स आते हैं ना, IdeaPad 3 हो गया, लैपटॉप 15 हो गया HP का, Vivobook हो गया, MSI मॉडर्न 15 हो गया, ये सारे ही 4-5 घंटे की बैटरी लाइफ निकाल के देते हैं नॉर्मल यूजेज, ज्यादा यूज करोगे तो 3 घंटे की, और कम यूज करोगे वाईफाई बंद करके ब्राइटनेस आधे पे रख के सिर्फ पिक्चर अच्छे देखोगे तो 7-8 घंटे भी चल जाते हैं लैपटॉप्स, तो बैटरी लाइफ दोनों ही लैपटॉप्स में सिमिलर निकल के आ रही है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दोस्तों यहाँ पे Asus में मैं थोड़ा सा लीड देना चाहूंगा, बिकॉज विंडोज 11 तो दोनों ही लैपटॉप्स में है ही, लेकिन Asus अपने साथ में MS Office Home and Student बिल्ट इन लेके आता है, जो कि आपको परचेस करने के एक हफ्ते के अंदर डालना पड़ेगा, इसमें MSI वो नहीं लेके आता है, वहां पे मिस कर जाता है बस, लेकिन 20,000 बचा रहा है भाई आपके, वो भी एक चीज कंसीडर करने के लिए। फाइनल वर्ड्स में मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई दोनों ही लैपटॉप्स मैं मतलब एक महीने से यूज कर रहा हूँ, दोनों ही के प्रीवियस वर्जन भी मैं यहाँ पे अनबॉक्स एंड रिव्यू
कर चुका हूँ और Asus के बारे में मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना कंपैरेटिवली काफी ज्यादा सॉलिड फील करता है। दोनों ही लैपटॉप्स के पीछे जो वेंट्स वगैरह देके रखे हैं, साइड में भी Asus में एक वेंट देके रखा है 16 इंच वाले वर्जन में, काफी खुला खुला सा एरिया है, हीट मैनेजमेंट भी अच्छा है, लेकिन Asus थोड़ा सा सॉलिड बिल्ड अपने साथ में लेके आता है। परफॉर्मेंस दोनों की ही अच्छी है, लेकिन प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देखें तो MSI को मैं यहाँ पे एक लीड देना चाहूंगा। वैसे यहाँ तक कोई डाउट बचना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को नीचे कॉमेंट करके जरूर से बता सकते हो। दोनों ही लैपटॉप्स के बाय करने के लिंक्स मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। VivoBook 16 का U सीरीज वाला वर्जन भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, तो उसका लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप डेफिनेटली बेस्ट प्राइस में उस लिंक से जाके परचेस कर सकते हैं दोनों लैपटॉप्स को। वीडियो पसंद आई हो, यहां तक आ चुके हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे जिससे कि सबसे पहले आप देख पाओगे, और हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। आप सब्सक्राइब करते हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, जो भी करना हो कर लेना, और फिर मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।